Good morning to all. Welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by our director ma'am, Mrs. Anuradha Gupta. As you know, we already started our chapter number 2, polynomial. Aaj hum topic number 4 uthayenge. Topic number 4 mein hum division of polynomial karenge. Or zeros find karenge when two of its zeros are given. Class ke polynomial se topic number 4 jo hai wo uthayenge. Kya hai topic number 4? Division algorithm for polynomial. Aaj hum iska part 1 karenge. Part 1 mein simply hum find out karenge. कि हम जब डिवाइड करते हैं किसी भी डिविडेंड को डिवाइजर से उसमें डिवाइजर क्या है कोशेंट क्या है रिमाइंडर क्या है ठीक है इसको सिंपल जैसे सिंपल डिवाइड तो हम करते हैं ना उसमें हम निकालते हैं कोशेंट एंड रिमाइंडर वैसे ही हम सीखेंगे कि हम पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं वो पॉलिनोमियल का कोशेंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे लेट अस टेक एन एग्जाम्पल हम पी ऑफ एक्स जो है लिया हमने x cube minus 3x square plus 5x minus 3 और g of x क्या लिया हमने x square minus 2 ये हमारी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में से आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें डिविडेंड क्या है हमारा p of x और डिवाइजर क्या है हमारा g of x अब हम देखेंगे पहले हमने देखना है जो हमारा डिविडेंड है क्या प्रॉपर ऑर्डर में है प्रॉपर ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए इसका क्यूब स्क्वायर x और कॉन्स्टेंट ठीक है अब जो ये हमारा डिवाइजर है ये भी हमने ऑर्डर इसका चेक करना है एक्स स्क्वायर माइनस टू इट इज इन ऑर्डर अब हमने देखना है फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ये देखेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर है बट हमें चाहिए क्या एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा एक्स क्यूब आएगा यानी कि एक्स से एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब मिल गई हमें फर्स्ट टर्म अब इसी टर्म को हम डिवाइजर की सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू माइनस टू इज माइनस टू एक्स अब ये बात ध्यान रखनी है देखो बेटा हमारा जो सेकंड टर्म थी पॉलिनोमियल की ये स्क्वायर वाली थी लेकिन हमने जो ऑर्डर आएगा उसको सेम के नीचे सेम स्क्वायर के वाली टर्म को स्क्वायर वाली के क्यूब वाली को क्यूब वाली के और एक्स वाली के ही नीचे जो है वो रखना है अब क्या है अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होंगे प्लस का साइन जो है वो माइनस में कन्वर्ट होगा माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट होगा सेम सेम टर्म इसको हम कट कर देंगे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर नीचे आया प्लस 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 हो गया 5 प्लस 2 इज 7x और माइनस 3 अब हमारे पास जो है माइनस 3x स्क्वायर अब हमने देखना है x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x स्क्वायर आए x स्क्वायर तो हमारे पास है बट हमारे पास माइनस 3 नहीं है तो हमने क्या किया x स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया माइनस 3x स्क्वायर अब सेम पहले की तरह अब इसको दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 इंटू टू इज 6 अब इसको कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे ही रख देंगे साइन चेंज किया माइनस को प्लस को माइनस में कन्वर्ट किया अब क्या किया सेम सेम टर्म कट गई 7x नीचे माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 6 कितने हो गए हमारे माइनस 9 इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कोशेंट इज x माइनस 3 डिविडेंड इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 रिमाइंडर जो है रिमाइंडर किसको बोलते हैं हम बची हुई टर्म को रिमाइंडर इज हमारा देखो जरा इसमें रिमाइंडर क्या है हमारा 7x माइनस 9 और डिवाइजर है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि x स्क्वायर माइनस लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इसमें हमने लिया है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और g ऑफ x है 2 माइनस एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स जो है वो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है लेकिन g ऑफ x जो है प्रॉपर अरेंज नहीं है इसको हम फिर से अरेंज करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर पहले और 2 बाद में अब p ऑफ x इज आर डिविडेंड एंड g ऑफ x इज आर डिवाइजर अब हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास एक्स की पावर 4 आएगी हम उसको करेंगे माइनस एक्स की पावर 2 से माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स रेज पावर 4 अब इसी एक्स स्क्वायर को हम प्लस 2 से करेंगे आएगा हमारा माइनस 2 एक्स स्क्वायर आपने देखा बच्चे यहाँ पे तो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म थी ही नहीं इसलिए हमने इसको इनके किसी के नीचे नहीं रखा सेपरेट रखा हुआ है क्योंकि हमने स्क्वायर को स्क्वायर के नीचे ही रखना है
अब इसको सेम सेम टर्म को हमने कट कर दिया, अब माइनस का साइन चेंज होके प्लस आ गया। अब हमारे पास क्या आया नीचे, 2x² - 5x + 6 जो है ये वाली टर्म भी हमने नीचे उतारी। अब -x² को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² आएगा, -2 से, -2 को -x² से करेंगे आएगा 2x², और -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -4। अब सेम सेम टर्म साइन चेंज किए, पहले कट गई, अब नीचे आया हमारा -5x + 10, -5x + 10 इज आर रिमाइंडर, -x² - 2 इज आर क्वोशेंट, एंड जी ऑफ एक्स इज आर डिवाइजर एंड पी ऑफ एक्स इज आर डिविडेंड। फोर से पार्ट टू जो है वो ले रहे हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ हम पॉलिनोमियल जो है हम वो कर चुके हैं, लेकिन आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन टू ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पी एक्स, 3x⁴ + 6x² - 2x² - 10x - 5, एंड टू ऑफ इट्स जीरोस आर, जो गिवन जीरोस हैं, √5/3 एंड −√5/3। एक बात हम ध्यान रखेंगे, पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर इज 4, डिग्री 4, तो इट मींस कि इसके टोटल जीरोस कितने निकलेंगे, 4। दो तो हमें गिवन है, अब हमें बचे हुए दो जो है वो फाइंड आउट निकालें। सिंस टू ऑफ इट जीरोस आर दिस एंड दिस, देयरफॉर ये किसके इक्वल हो जाएगी, x - √5/3 और x + √5/3, प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में। ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, a - b एंड a + b विच इज इक्वल टू a² - b². इसमें से हमारा जो रूट है वो कट गया, हमारे पास सिर्फ 5/3 बचा, 1/3 बाहर, एलसीएम ले लेंगे हम, 3x² - 5, और जो है ये फैक्टर किसका बन जाएगा, हमारा पी ऑफ एक्स का। नाउ डिवाइड, अब हमने पी ऑफ एक्स जो है अंदर लिख लिया, बाहर जो हमारी टर्म बनी थी 3x² - 5, जो 1/3 था वो एज ए कॉन्स्टेंट हम बाहर ही रहने देंगे। अब देखो फर्स्ट टर्म जो है हमारी 3x⁴ है, यहाँ पे 3x⁪ है। अब हमें क्या चाहिए, x⁴ बनानी है और 3, तो 3 तो ऑलरेडी हमारे पास है, किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, x² से, तो क्या बन जाएगा हमारा 3x⁴। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, अब इस टर्म को हम दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा -5x², जिसको हम स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख देंगे। अब ये साइन चेंज करने का प्रोसेस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सेम टर्म कट, तो 6x³ नीचे, एक -2x² + 5x² प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा इसमें +3x², क्योंकि 5 जो है बड़ी टर्म है, उसका साइन चेंज हो चुका है। -10x भी नीचे उतारेंगे और -5 भी नीचे। अब हमारी कौन सी टर्म आ गई, किसको हमने ढूंढना है, 6x³ को, हमारे पास तो 3x² है, 3 2s are 6 होता है, मिल गया, x² है, 1x और लगा देंगे, यानी कि 3x² को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 6x³। अब इसी टर्म को दूसरी से करेंगे, क्या आएगा, 10x, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों की दोनों टर्म इस टाइम हमारी कट रही हैं, हमारे पास क्या आ गया, 3x² - 5। अब किससे करेंगे, हमारे पास 3x² है तो 3x² ही चाहिए, 1 से करेंगे, हमारे पास क्या आया, 3x² - 5, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, ये दोनों की दोनों टर्म जो है ये कट गई, लेकिन अभी भी हमें रेस्ट ऑफ द जो टू जीरोज हैं वो हमें नहीं मिले हैं। हमारा जो क्वोशेंट होता है उसको नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फैक्टराइज। हमारे पास क्या आया, x² + 2x + 1, इसको हम पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे x + x में, तो x कॉमन आएगा फर्स्ट टू में, तो x + 1 बन गए, नेक्स्ट टू में सिर्फ 1 कॉमन है तो x + 1 आ गया, हमारी क्या टू फैक्टर्स बनेंगे इसका, x + 1 एंड x + 1, देयरफॉर टू ऑफ इट्स जीरोस आर, जब हम x + 1 और x + 1 को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू +1 है तो -1 आ गई, यहाँ पे +1 है तो -1 आ गई, हेंस 4 जीरोस ऑफ पी एक्स क्या बनेंगे हमारे, पहले जो दो ऑलरेडी दिए हुए हैं √5/3 -√5/3 और ये वाले दो -1 एंड -1। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो है हमारी टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल में से ही है, इसमें पी ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें और टू ऑफ इट जीरोस क्या है, √2 एंड -√2।
Since two of its zeros are under root 2 and minus root 2, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? X minus root 2 and X plus under root of 2, A minus B और A plus B बन गए, तो क्या बना हमारा A square minus B square. B square से ये root कट के हमारे पास खाली क्या आ जाएगा? 2. इसमें कौन सी identity यूज की हमने? A square minus B square से A minus B A. अब नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ही हमारे फैक्टर बन गए x स्क्वायर माइनस 2 बिना, अब जो px है हमारे पास गिवन, उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड. अब हमारे पास टर्म क्या है? 2x रेस पावर 4 हमें चाहिए. हमने किससे करना है? x स्क्वायर से. किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको? 2x स्क्वायर से. हमें क्या मिल जाएगा? 2x की पावर 4. अब इसी 2x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 2 से. हमारा क्या आ जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर. साइन चेंज, फर्स्ट टर्म कैंसिल, माइनस 3x क्यूब नीचे. अब माइनस 3x स्क्वायर है, अब ये प्लस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को सॉल्व करके x स्क्वायर 6x नीचे और माइनस 2. अब हमें x स्क्वायर के साथ ऐसी टर्म को ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 3x क्यूब आए, यानी कि माइनस 3x से हम करेंगे तो माइनस 3x क्यूब आया हमारा. इसी माइनस 3x को हम 2 से करेंगे तो क्या आया हमारा? प्लस 6x. साइन चेंज, अब ये दोनों की दोनों टर्म जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है हमारा अभी बच गया है. अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को किससे करेंगे कि एक्स स्क्वायर आए? 1 से. तो एक्स स्क्वायर मिल गया, इसी 1 को हमने 2 से किया तो माइनस 2. साइन चेंज, और ये दोनों की दोनों टर्म कट चुकी हैं, हमारे पास 0 रिमाइंडर आ गया है. इस केस में हमारा क्वोशेंट क्या निकला है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. अब मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो निकलेगा उसको हम फैक्टराइज करेंगे. हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. 2x स्क्वायर हमने 3x को तोड़ा है माइनस 2x और माइनस x में. अब इन दोनों में कॉमन 2x है, x माइनस 1 ब्रैकेट में. इन दोनों में तो सिर्फ माइनस 1 कॉमन है, तो ब्रैकेट में x माइनस 1. अब हम क्या करेंगे? 2x minus 1 is one factor and x minus 1 is other factor. अब इसको हम कंपेयर करेंगे विद 0. जब हम इसको इक्वेट करेंगे 2x minus 1 को 0 से, तो x हमारा बन जाएगा 1/2, और x minus 1 को कंपेयर करेंगे जब इक्वल टू 0 से, तो x क्या बन जाएगा हमारा? 1. हेंस जो 4 zeros हैं, 4 0 में हमें दो पहले से ही दिए हुए थे. पहले से जो दो दिए हुए थे वो कौन से जीरो थे? अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2, और एक क्या निकला हमारा? 1/2 और 1. ये टोटल क्या हो गए हमारे? 4 जीरो. सबसे पहले अब क्वेश्चन की दोबारा से रिकैप्चुलेशन करेंगे हम. सबसे पहले हमें जो 2 जीरो दिए थे, हमने उनके फैक्टर बनाए, उसको फैक्टर किया, क्या बना हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 2. सेकेंड स्टेप हमने क्या किया? उसको डिवाइड किया. डिवाइड करके एक क्वोशेंट हमारा बनता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जो कि बना उसको हमने फैक्टराइज किया. फैक्टराइज करने के बाद हमारे फिर से दो फैक्टर बने एक्स के, 1/2 एंड 1, जो हमारे रेस्ट ऑफ द जीरोस थे. तो 4 जीरोस क्या बने? 2 पहले वाले और 1/2. कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो यही 2 जीरोस लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है फाइंड ऑल द जीरोस, यानी कि आपको 4 के 4 जीरोस जो हैं वो लिखने हैं. इसलिए लास्ट में 4 जीरोस ही लिखें, 2 पहले वाले भी लिखें और 2 जो आपने निकाले हैं वो. नाउ स्टूडेंट, इट्स अ टाइम ऑफ योर होम टास्क. हमने पार्ट फर्स्ट में क्या किया है, हमने हाउ टू फाइंड क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, और सेकंड वाले में किया हाउ टू फाइंड अदर जीरोज व्हेन टू ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन. मैंने आपको होम टास्क जो दिया है, डिवाइड द पॉलिनोमियल एंड फाइंड क्वोशेंट एंड रिमाइंडर. इसमें पी ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है. सेकेंड वाले पार्ट में पी ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है. वन अ क्विक टिप फॉर यू, एक टिप मेरी तरफ से जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी, कि सबसे पहले हमने चेक करना है क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है. फर्स्ट वाली तो हमें अरेंज ही लग रही है पूरी, लेकिन सेकंड वाले में आप देख सकते हो इसको अरेंज करने की जरूरत है. इसमें पी ऑफ एक्स को भी अरेंज करोगे, जी ऑफ एक्स को भी अरेंज करोगे, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा.
और सेकंड क्वेश्चन में इसके टू जीरोस हमें दिए हुए हैं रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री अंडर रूट ऑफ थ्री, तो पी ऑफ एक्स भी हमें दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा रेंज है। सबसे पहले आपने रूट थ्री और माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री को लेके इसके फैक्टर्स बनानेंगे। एक हिंट छोटा सा इसका भी, इसका फैक्टर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। हम x square minus 3 से इस पूरे p of x को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे जो हमें quotient मिलेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको क्या करेंगे, हम उसके फैक्टराइज करेंगे। उसको फैक्टराइज करने के बाद उससे हमें दो जो है फैक्टर मिलेंगे, वो जो दो फैक्टर होंगे वो हमारे क्या होंगे, नेक्स्ट टू जीरोस, और टोटल फोर जीरोस हमारे क्या बन जाएंगे, अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस अंडर रूट, और दो जीरो जो हमें कहां से मिले होंगे, उस टर्म को यानी कि क्वेश्चन को फैक्टराइज करने पे। स्टूडेंट्स, आज हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखा, हाउ टू फाइंड अदर जीरोस व्हेन टू ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन, सेकंड टॉपिक हमने वो सीखा। मैंने आपको होम टास्क दिया है, आई होप जो एग्जांपल मैंने सॉल्व किए हैं पहले आप उनको सॉल्व करोगे, फिर जो होम टास्क दिया है फिर उसको करोगे, और अपने जो भी कंसेप्ट हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल में टॉपिक वन टॉपिक टू और टॉपिक थ्री में, उसको भी रिकैप्चुलेट करोगे, क्योंकि हर कोई टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। I hope you understand what I am saying. Thank you and have a nice day.